सारी प्यास ले लो। इमाम हुसैन की कहता प्यास में फायदा है। क्या फायदा है? ए अल्लाह, प्यासा रखना है फातिमा के लाल को, प्यासा रखना है नौजवानों ने जन्नत के सरदार को, प्यासा रखना तो फिर अल्लाह ऐसा कर कयामत तक की प्यास, कयामत तक की प्यास तू हुसैन के खानदान पर डाल दे ताकि मेरे नाना की उम्मत को प्यास से मरना ना पड़े। उम्मत रसूल न प्यासी मरे न भूखी मरे, इसीलिए जैसे ही हुसैन के जिक्र का सूरज ऊपर आता है सबीले चल पड़ती है, कोई प्यासा न रहे, देगे चढ़ जाती है कोई भूखा न रहे। यजीदियों को तकलीफ होती है कि सब हुसैन को याद कर रहे हैं। तुम हराम हराम कहते रहो, हम इस्लाम इस्लाम कहते रहे। वेल डिसाइडेड मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमें प्यासा रहना है और ये बादशाह की नीयत है। वजीर नहीं बदल सकता, फकीर क्या बदलेगा? इसका सबसे बड़ा सबूत आपके सामने रखता हूं। पानी तक हम पहुंचे तो पिए ना, या पानी हम तक आए ना, खेमे में तो एक बूंद नहीं आना चाहिए। मैं कली तैयार है, इसका सबूत खेमे हुसैनी में। क्या मैं जो चाहूंगा पानी का टुकड़ा पेश कर रहा हूं, शायद इस गादी से आप पहली बार सुनिए। 1300 साल से ज्यादा करबला तो हो गया, लेकिन यह बात न किसी किताब में है न किसी की तकरीर में। यह तो उस्मान गनी का खुलूस है जो बात दिमाग में पिछले साल भी नहीं बता पाया था कि जो अभी दिमाग में आ रहा। क्या घिसी हुई है खेमे में? जरूर अब्दीन लेते हैं जमीन पर, अली अकबर लेते हैं जमीन पर, अली औसत लेते हैं जमीन पर, अली अफजल लेते हैं जमीन पर, कासिम लेते हैं जमीन पर, जैनब लेती हैं जमीन पर, उम्मे लैला है जमीन पर, उम्मे रुबाब है जमीन पर, शहबानो है जमीन पर, जैनब है जमीन पर, सकीना है जमीन पर, खुद इमाम हुसैन है जमीन पर। लेकिन अली अफजल कभी जमीन पर नहीं लेटाए गए, कभी वो झूले में है पालने में है। जब झूले में रोने लगे तो गोदी जैनब ने गोद में लिया, हिलाया मिलाया, जब जैनब थक गई तो साहेबानों को दे दिया, साहेबानों की गोद में है कि माँ की गोद में है। माँ ने दूध पिलाया, जब दूध पी लिया, जब दूध मिला नहीं मिला, वल्लाह आलम भी सवाल दूध में पिलाया और फिर दे दिया दूसरे की गोद में, वो मेरे बाप की गोद में रह गई। फिर आगे पाले पाले पे झूला झुलाया गया, झूले पर रहे, फिर ले लिया गोद में, उम्मे लैला ने गोद में ले लिया, उम्मे रुबाब ने कभी गोद में ले लिया, इमाम ज़ैनुलाबदीन ने कभी गोद में लिया। शहीद होते गए, गोदें बदलती गई, गोदें कम। आखिर में जब जबान खुश्क हो गई, सैयदा ज़ैनब से देखते नहीं बना तो अपनी गोद से लेकर हुसैन की गोद में दे दिया कि जाओ जालिमों से कहो कि एक चुल्लू पानी, एक घूंट पानी को ले दे, एक पिया ले दे अली असगर के लिए। अली असगर की जबान देखी खुश्क होकर कांटा बन गई है, इमाम हुसैन को तरह तरह लेकर बाहर है गोद में। उन्होंने कहा तो मजाक भी उड़ाया गया, क्या बच्चे का देखा देखा करके पानी लोगे? मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, बस इतना बताना चाहता हूं कि गोद में इमाम हुसैन की है, तीर आया, हजरत अली असगर के हलक में गले में पैवट हो गया, घुस गया, रूह निकल गई। इन्ना लिल्लाह
वजन लेकर आ जाऊ जमीन पर तब लेटाए गए जब शरीर से आत्मा निकल गई। जमीन पर तब अली असगर को लेटाया गया जब जिसम से रूह निकल गई। पहले क्यों नहीं खेमे में जमीन पर अली असगर को क्यों नहीं लेटाया गया? अंदेशा था, संभावना थी कि कहीं अली असगर को जमीन पर अगर मैंने लेटा दिया तो कहीं इसकी एडियों की नकल से नया आगे संसद न निकल पाए। इसलिए कि अली असगर तो मैदान के हाथ में होंगे, कासिम करबला मैदान में होंगे और इधर अली असगर ने जमीन पर अपनी एंडियां रगड़ी।